अपने YouTube चैनल पर कस्टम URL कैसे क्रिएट करें, कस्टम URL कैसे बनाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर हैं, आपका भी YouTube पर एक चैनल है, तो अगर आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है तो आपको कस्टम URL क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन कैसे मिलेगा और कैसे क्रिएट करना, ये सारा चीज़ें आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर कस्टम URL होता क्या है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने YouTube चैनल का लिंक को शेयर करना चाहते हैं किसी के पास, तो जब आप लिंक को कॉपी करते हैं तो वहाँ पर आप देखे होंगे इतना सारा वहाँ पर टेक्स्ट लिखा रहता है, https://youtube.com/xyz, इतना सारा लिखा रहता है जो कि याद करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो कस्टम URL क्या करता है, वहाँ पर अपने हिसाब से हम वहाँ पर एक URL क्रिएट कर सकते हैं, छोटा सा जो एकदम शॉर्टकट होता है, मतलब www.youtube.com, उसके बाद जो भी आपके चैनल का नाम आप उसे डाल दीजिए, फिर आपके जो चैनल रहेगा वो ओपन हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आप एक कस्टम URL क्रिएट कर पाएंगे। इससे क्या होगा, जब भी आप कहीं पर अपने चैनल के लिंक को शेयर करना रहेगा तो आपको लिंक को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली वहां पर टाइप करके भी किसी भी लिंक को, मतलब अपने चैनल के लिंक को कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कस्टम URL। लेकिन इसे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं और कब मिलता है, ये सारा चीज़ मैं आपको चलिए फटाफट से बता देता हूँ। ले चलता हूँ आपको मैं कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर फ्रेंड्स। तो किसी भी YouTube चैनल का कस्टम URL बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना YouTube ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपको YouTube स्टूडियो पे आ जानी है, अपने चैनल को ओपन करके। यहाँ पर मैं आ गया, YouTube स्टूडियो देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपने चैनल को ओपन कर लिया और यहाँ पर अपने चैनल के YouTube स्टूडियो पर आ चुका हूँ। आपको भी इसी तरीके से स्टैम्प YouTube स्टूडियो पर आ जानी है, देख सकते हैं यहाँ पर मैं आ गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स ऊपर होना चाहिए, तभी आप कस्टम URL बना पाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेरा 838 है सब्सक्राइबर, देख सकते हैं अभी, क्योंकि एकदम नया चैनल है ये। तो यहाँ पर कस्टम URL बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारा टेक्स्ट बोर्ड, कंटेंट, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, कमेंट, सब पैडल, सब चीज़ यहाँ पर मिल रहा है। इसके ठीक नीचे आपको मिल जाएगा कस्टमाइजेशन, देख सकते हैं कस्टमाइजेशन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कस्टमाइजेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेसिक इन्फो, देख सकते हैं बेसिक इन्फो। यहाँ पर आपको फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं चैनल URL, यहाँ पर दिखाई दे रहा है चैनल URL। यहाँ पर इतना सारा लिखा है, आप कहाँ से याद कर पाएंगे इसको, ABCDXYZ कुछ कुछ लिखा, देख सकते हैं याद नहीं होता। तो यहाँ पर इसके ठीक नीचे मिलेगा सेट ए कस्टम URL फॉर योर यूट्यूब चैनल, तो इस पर आपको ठीक क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो है कस्टम URL हमें क्रिएट, मतलब एक क्रिएट करके दे देता है, देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। यहाँ पर https://www.youtube.com/sandeepkitesi हमारा कस्टम URL बन गया। अब जाहिर सी बात है, इसे कोई भी व्यक्ति याद कर लेगा क्योंकि ये सब तो सेम रहता है, बस ये नाम को आपको ध्यान देनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और नाम से बनाना चाहते हैं, मतलब कस्टम URL, तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन मुझे बेटर लग रहा है कि संदीप पिटेची अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये शॉर्टकट भी है https, मतलब एकदम शॉर्टकट लग रहा है, देख सकते हैं ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो इस पर मैं ऊपर क्लिक करता हूँ इस तरीके से, देख सकते हैं संदीप पिटेच पर, और हम सिंपली क्या करेंगे, पब्लिश पर क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं। इसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा कस्टम URL रेडी हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है चैनल URL हमारा ये है और कस्टम URL ये है, देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर ये लिखा है आपको https://www.youtube.com/c/sandeepkitesi, एकदम शॉर्टकट है, आसानी से याद हो जाएगा फ्रेंड किसी को भी। तो इस तरीके से आप कस्टम URL बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी जानने सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे को भी दबाएं और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस चैनल पर आपको YouTube से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलते ही रहेगी। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते तो पहले मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए, मैं 100% उसकी रिप्लाई करूंगा। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।